नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को HTMS हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कुछ HTMS रिलेटेड अपडेट आया है उसी के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें जो है उजाला का रेगुलाइजेशन जब कर रहे थे हम, तो यहाँ पर कहीं उजाला का जो कंज्यूमर है उनका डेट ऑफ बर्थ जो करेक्शन अगर कहीं गलती हुए है करेक्शन का ऑप्शन नहीं थे, तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन दिए गए हैं उजाला रेगुलाइजेशन पर। ठीक है दोस्तों, ये था पहला अपडेट। दूसरा अपडेट पर जाते हैं दोस्तों, TTV SR। अगर ऑनलाइन कंज्यूमर कोई TTV TV या पोर्टेबिलिटी हो, तो इस केस में क्या होता था कि कंज्यूमर का सोर्स डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनके पास जो है रिक्वेस्ट जाता था, वो अगर अप्रूव या रिजेक्ट कर देते थे तो उसके बाद का प्रोसेस आप कर पाते। लेकिन अभी ये सिस्टम में चेंज कर दिए गए हैं, कंज्यूमर मोबाइल ऐप या पोर्टल के थ्रू जब TTV या पोर्टेबिलिटी या TV का रिक्वेस्ट डालेंगे, तो वो जो SR है वो सीधा जाएगा फील्ड ऑफिसर के पास यानी FO के पास। वो सर जब आप बात करेंगे उसी SR को लेके, तो उसके बाद सर रिजेक्ट या अप्रूव उसको कर सकते हैं। ये जो सारे चीज़ें वो FO सर करेंगे। ठीक है, ये था दूसरा अपडेट। तीसरे अपडेट पर आ जाते हैं दोस्तों, तो SB यानी न्यू कनेक्शन के लिए कंज्यूमर ने अगर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाला है, तो जब SB का स्टेटस इनवॉइस्ड हो जाएगा उस केस में कंज्यूमर क्या कर सकता है दोस्तों, कंज्यूमर जो है अपने पोर्टल या ऐप के थ्रू SB का जितना भी पेमेंट होता है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और चौथा अपडेट पर आते हैं दोस्तों, आपका अगर सिस्टम में कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है और जो है 5 times वो जो 5 times अगर गलत पासवर्ड डाल दिए है किसी ने, ठीक है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली वो जो अकाउंट है आपका वो लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये अनलॉक कैसे होगा दोस्तों, आपको 10 minutes वेट करना पड़ेगा और 10 minutes के बाद आपको जो है राइट पासवर्ड डालेंगे, तो तभी आप लॉगिन कर पाएंगे सिस्टम में दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी था आज कुछ HDMS रिलेटेड अपडेट दोस्तों। ये अपडेट कुछ दिन पहले ही आया, मैं वीडियो डालने में लेट हो रहा है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात होगी अगली वीडियो पर।